तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो नई सीरीज़ों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर हमारी एक तरह से दो सीरीज़ें हैं, जिसके अंदर सबसे पहली सीरीज़ का नाम होगा डियर चाइल्ड। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज़ है अभी हाल ही में आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ आपको पहले कुछ समय पहले नेटफ्लिक्स पर आपको एक सीरीज़ देखने को मिली थी जिसका टाइटल था डिस्टेंट विथ यू। ये एक कोरियन सीरीज़ थी, इसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और पहले मैं बेसिक आपको डिटेल बता देता हूँ। आज सबसे पहले हम जिससे स्टार्टिंग करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम होने वाला है डियर एक तरह से चाइल्ड। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। पहले इसका रिव्यू कर लेते हैं और कुछ डिटेल बता लेते हैं और इसी के बाद अगली सीरीज़ के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंट विथ यू के बारे में। यह एक कोरियन ड्रामा एक तरह से सीरीज़ है जो कि आपको एक तरह से नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में देखने को मिली है और इसके एपिसोड धीरे धीरे कर कर एक तरह से पूरी तरह से अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दिए गए हैं। मैं पहले भी ये वीडियो एक तरह से ला सकता था, लेकिन मैंने सोचा जैसे ये एक तरह से पूरी सीरीज़ ख़त्म होएगी उसके बाद सभी पर एक साथ वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक कोरियन ड्रामा सीरीज़ है, इसके जितने भी एपिसोड अभी तक रिलीज़ हुई है उन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग यानी टोटल मिलाकर इस सीरीज़ के बारे में जितनी भी जानकारी हमारे पास है सारी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आपको एक नई सीरीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है डेस्टिनी विद यू, आपके साथ नियति। डेस्टिनी विद यू कोरियन एक चालू दक्षिण कोरियाई टेलीविज़न सीरीज है जो आपको बो आयान, रोवनो, हाजून और यूरा ने अभिनय किया है। इसका प्रीमियर 23 अगस्त 2023 को JTBC पर हुआ है। प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को 22.23 KCAT पर प्रसारित होगा। यह चयनित क्षेत्रों में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए भी उपलब्ध है। सारांश इसकी कहानी की बात करें तो डेंसिटी विथ यू ली होंग जो होबो और जान शिंग यू रोवनो के बीच एक अनूठे रोमांस की कहानी है जिसकी कहानी एक निश्चित पुस्तक के इर्द गिर्द घूमती है जिनसे 300 साल पहले पूरी तरह से सील कर दिया गया था, जो हाथ में आ गई है शीन यूंग के साथ। इसे प्राप्त करने के बाद जो पुस्तक के कारण हुए अभिशाप के कारण निश्चित पुस्तक का शिकार बन गया। इसकी कास्टिंग की बात करें तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कास्टिंग की जो बहा ली जोहांग के रूप में ओसियो सिटी हॉल के हरियाली विभाग का 9वीं स्तर का सिविल सर्विस, जंग सिन्यू के रूप में रोबनो एक कुशल वकील, कौन जे यूंग के रूप में हाजून, जोंग सिटी में हॉल में सहयोगी जिस पर होंग को क्रश है, यूरानू ना योंग के रूप में यिनशू की प्रेमिका, इसको समर्थन मिला है। सिटी हॉल में लोग गोंग सू ओंग के रूप में बॉन सिंग बिंग और जो सिटी हॉल के पर्यावरण विभाग के टीम लीडर योंग यू योन के रूप में ली बोंग र्यून और जोंग सिटी के हॉल पर्यावरण हरियाली विभाग के प्रबंधक पाक्योंग के सोन के ब्योल के रूप में ऑन सिटी के हॉल पर्यावरण और हरियाली विभाग का एक सदस्य, जॉन सुंग के रूप में ब्राम होन जोंग सिटी हॉल के पर्यावरण हरियाली विभाग का एक सदस्य, यू हक योंग के रूप में सोंग यूंग क्यू नॉन यून के पिता और जोंग सिटी हॉल के मेयर, हंग सुंग वांग जिम्ब्योन के रूप में ग्रीनलैंड के गार्डन के सीईओ, पार्क के डोंग के रूप में लिंग हॉनसुंग हॉनजन सिटी के कानूनी टीम दूसरे कमांड प्रभारी, सू योंग सुंग सैम सिंह के रूप में बड़े सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का प्रबंधन होंग जोंग के द्वारा किया गया, सिख सिंह के होंग बोराम के रूप में पार्क जे जून सिख सेक का पोता, विनियो के आसपास के लोग जिंग होंग के रूप में ली पोले, शिंग चुंग के पिता, बाउल कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ, जंग हाई जंग सू यून सुंग के रूप में सिन यू की माँ, किम होंग यून के रूप में एक होजा विस्तारी, किम योंग के रूप में ली तायरी सिंह योंग का सबसे अच्छा दोस्त जो एक उसका वकील भी विशेष जिसमें उपस्थित है क्यों क्यू किंग सिंह सीईओ लॉफर्ड हाइन के रूप में किम योंग ली सॉन्ग के रूप में दो मिन होंग के रूप में यू जुंग होंग। इसकी उत्पादन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका प्रोडक्शन 17 जनवरी 2023 को नेटफ्लिक्स से रोपनो ओ बाई हाई की तस्वीर की जारी की थी तो उस हिसाब से इसको किया गया है। अब इसके हुगुल है ये प्यार नाम क्योंकि इंजा ये का प्रत्याशित घटना शाब्दी करती है एक प्रतिरोध है। मैं योंग सुंग हंग बलंग मैक्यून रिचॉइस्ट मैं बहुत खुश हूँ। शैली ये काल्पनिक है और रोमांस है। किसके द्वारा लिखी गई है इसका राइटर कौन है नोंग सी लोंग के द्वारा। निर्देशक एक नाम की हुन इसके जो डायरेक्टर हैं नॉम सी होन है। अभिनीत में जो बो आ और रोवन हाजून यूरा। संगीत दिया इसे गेमी थ्री ने। उद्यम देश दक्षिण कोरियाई वास्तविक ऐसे इसकी कोरियाई है जो हम हिंदी में आपको बता रहे हैं। इसका रिव्यू और फैक्ट एपिसोड की की संख्या 5 और 6 पाँचवा अब तक आ चुकी है जो 6 सितंबर 2023 तक लॉन्च हुआ था। इसके निर्माता की बात करूँ तो प्रोडक्शन कंपनी पॉक सुंग युंग सी पी सोंग युंग क्यू जिहांग होंग संग योंग। प्रोड्यूसर से चोंग चोंग जू किम सियो कॉम इसके प्रोड्यूसर है। संपादक ओंग संग हॉन। उत्पादन के लिए असू हलेल जी ए सी इसकी कंपनियाँ हैं। मूल नेटवर्क JTBC है। इसकी अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इसका है नेटफ्लिक्स है। मूल रिलीज 23 अगस्त 2023 को आई थी जो अभी इसका 5वां पार्ट आया आपको बताया जिसे 6 सितंबर को 2023 को अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। इसकी दर्शकों की संख्या बहुत ज़्यादा है लगभग 1 मिलियन में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखते हैं इसको और इसका आपको पूरा बता ही दिया है। अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक शेयर करें ताकि आप भी इस वीडियो का आनंद ले सकें आपके साथ साथ और भी ले सकें और आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ साथ ही अगर आप लाइक करते हैं उसे शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। तो अब हम जान लेते हैं इनके एक्टर्स के बारे में। एक्टर्स कौन कौन है इसमें उनके बारे में पूरा जानेंगे। इनका क्या थी अर्लियर लाइफ उनकी लाइफ के बारे में पूरा ऊपर से नीचे तक जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। योवा आहा एक कोरियन अभिनेत्री हैं जिनका जन्म 22 अगस्त 1991 को। जो वो यूं एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री जिन्हें गुड बाय टू गुड बाय 2018 माई सी स्ट्रेंज हीरो 2018 फॉरेस्ट 2020 टेल ऑफ द नाइट टेस्टीमन की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है 2020 में और सैन्य अभियोजक डॉनबर्ग 2022 में। इनकी अर्लियर लाइफ की बात करें तो जो वो आहा का जन्म 22 अगस्त 1991 को डेजांग में जो बो योंग के रूप में उन्होंने सुकुव्यांग विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कला में स्नातक की उपाधि की है। जो उसकी एक बहन है जो यू आहा जो भी एक अभिनेत्री हैं। इनका जन्म आपको बताइए जो बो यू और इनका शाब्दिक जन्म स्थान है जो बो यू 22 अगस्त 1991। इनकी उम्र 32 है अभी फिलहाल। डेजोन दक्षिण कोरिया चोबो आहा सुकवान में इन्होंने शिक्षा ली प्रदर्शन कला में और एक अभिनेत्री हैं। 2011 से अब तक काम करती हैं। इसका प्रतिनिधित्व करिया है। इनका एक कोरियाई नाम है जोबो आहा संबोधित में वो है पीओ के लिए और जोबो यू इनका हंगुल है संशोधित रोमनिकन जोबो यू मैन्युफैक्चरिंग से चोपो युंग है। इनके करियर की बात करें तो जो ने 2011 में केबल चैनल JTBC पर दैनिक सिटकॉम आई लिव इन चोंगडैम एक भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत किसके बाद ऑडिशन कार्यक्रम में मेड इन यू JTBC पर एक होस्टिंग कार्यक्रम हुआ और दक्षिण कोरियाई जापानी सह संस्थापक कोइंसुल मैसन रोज में उपस्थित हुई। 2012 में जो को एक पूर्व अमीर लड़की के रूप में अपनी पहली भूमिका मिली जो TVM के आने के बाद और एक छोटी सी भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। इनके साथ आईडिस कार्यक्रम मैड टोइन जेटीबीसी पर होस्टिंग कार्यक्रम के साथ टीवीजन में आने वाली उम्र की श्रृंखला में शॉट ऑफ फ्लावर बॉय मेड मेकरॉन रॉकर के प्यार में फट जाती है। उस वर्ष के अंत में यह MBC पीरियड ड्रामा हॉर्स डॉक्टर में साई भूमिका के साथ अपनी पहली नेटवर्क टीवी श्रृंखला में दिखाई दी। 2013 में जो और किम बिन्यू ने 2 सप्ताह 4 और 11 अप्रैल को एमनेट के साप्ताहिक संगीत में शो एम टाउन की मेज़बानी की। जो को 2014 में पहली फिल्म एक परेशान मोह किशोरी के रूप में लिया गया था, जो कॉम्बो थ्रिलर एंड शॉर्ट थिंग में अपने जिम शिक्षक के प्रति आसक्त हो जाती है। केबल टेलीविज़न पर आकर उन्होंने इन रोमांटिक कॉमेडी श्रृंखला द आइडल मरमेड में अपनी भूमिका निभाई, जो प्रतिस्पर्धी कोरियाई कार्यस्थल के बीच द लिटिल मरमेड की आधुनिक रिटेलिंग थी। जो ने 2015 में ओशियन पुलिस पर क्रियात्मक नाटक द मिसेल में एक नई शैली की कोशिश की, जहां उन्होंने लापता व्यक्तियों की टास्क फोर्स में एक जासूस की भूमिका निभाई। इसके बाद के भी है साप्ताहिक पारिवारिक नाटक ऑल अबाउट माई मॉम के कलाकारों में शामिल हो गई। उन्होंने शीर्षक के वेबटून के अनुकूल एक वेब श्रृंखला लव सेल 2002 में अभिनय किया। 2016 में जो ने रिवेंज मोल्टर ड्रामा मॉन्स्टर और रोमेडिक कॉमेडी स्वीट स्ट्रेंजर एंड मी में अभिनय किया। 2017 में उन्होंने रोमांस मेलोड्रामा टेम्परेचर ऑफ लव में 2 एपिसोड ड्रामा स्पेशल लेट्स मी जू ओहो में अभिनय किया। 2018 में जो ने गुड बाय टू गुड बाय में अभिनय किया, जो 2 महिलाओं की कहानी के बारे में एक वेबटून पर आधारित थी। उन्होंने एक विश्वविद्यालय छात्र की भूमिका निभाई, जो अकेली माँ के रूप में चुनौतियों का सामना करती है। उसी वर्ष उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा माई स्ट्रेंज हीरो में अभिनय किया। 2002 में जो ने मोस्ट रोमांस ड्रामा फॉरेस्ट में एक डॉक्टर के रूप में अभिनय किया और उसी वर्ष उन्होंने फंतासी नाटक द टेल ऑफ द लाइट टेंच में नी आम नामक एक टेलीविज़न निर्माता के रूप में लिया गया। 2021 में जो ने पूर्व एजेंसी के अनुबंध की समाप्ति के बाद किस के साथ हस्ताक्षर किए। 2011 में उन्हें नए सैन्य थीम वाले नाटक मिलिट्री प्रोड्यूसर डॉम बैन में लिया गया, जो 2012-23 में चू वांग इन पर प्रसारित होता है, जो एक सैन्य अभियोजक है जो अपनी प्रतिशोधी अभिव्यक्ति को छुपाता है। यह नाटक कोरियाई में केबल टेलीविज़न पर सबसे अधिक रेटिंग वाले कोरियाई नाटकों में से एक है। इनकी फिल्म के बारे में बात करें तो 2014 में इनकी पहली फिल्म थी मासूम बाधा यंग सू की, इन्होंने भूमिका निभाई। इसकी बात टेलीविज़न श्रृंखला की बात करें तो 2011 से इन्होंने शुरुआत की थी। जैसा मैंने बताया मैं चेओंग डैम डोंग में रहता हूँ बोआ की भूमिका निभाई, एक केमियो था। 2012 शट अप फ्लावर बैड बॉय बैड में आंसू की भूमिका निभाई। 2012 में कोइंगसू मैसन इंद्रजनीला बोआ की भूमिका निभाई। 2012-13 हॉर्स डॉक्टर यह यून सीओ है की भूमिका। इसके बाद 2014 में निष्क्रिय जलपरी किम होनी एलिन की भूमिका निभाई। इसके बाद लापता, इसके बाद जिन सीओ यून की भूमिका निभाई। मेरी माँ के बारे में ऑल अबाउट माई मदर जन चॉय री की भूमिका निभाई। इसके बाद डेवल सिंह यंग्रो प्यार अजनबी और मैं लवली स्ट्रेंजर एंड आई जोंग जो ऊ करो प्यार का तांबा टेम्परेचर ऑफ लव जी होंग या की इन्होंने भूमिका निभाई, जो कि 2017 में आई थी। नाटक विशेष आओ मिले लेट्स मीट सी यू जी गुड बाय 2018 में जंग आहो की भूमिका निभाई। माई स्ट्रेंजर हीरो बेटा सूजोंग की भूमिका निभाई, जो 2018 से 19 के बीच में आई थी। इसके बाद 2020 में फॉरेस्ट जंग जय के बाद 2020 में फिर 9 टेल्स स्टोरीज की भूमिका इन्होंने निभाई, जिसमें नॉम जिंग यहाँ IMP यूट्यूब कॉम को सेव करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक की भूमिका निभाई। इसके बाद 2022 में सैन्य अभियोजक डॉबमन चोंग यू इन की भूमिका निभाई। इसके बाद 2023 में मैड टॉल अंडर नाइट टेल 1938 नोंग जी आपके 2023 में ना आपके साथ नेट थी के साथ सी होंग जो, और इसके बाद वेब सीरीज लव सेल्स टू ये बैम 2015 में इसकी भूमिका निभाई। इसके बाद टेलीविज़न शो आपको बताते हैं 2011 से 12 के मिड में यू में निर्मित मेजवान की भूमिका निभाई। फिर 2017 में सुमात्रा में जंगल का कानून का सदस्य एपिसोड 261 से 264 में इन्होंने भूमिका निभाई। युद्ध यात्रा 2017 में स्क्रीम सो यूंग के साथ भूमिका निभाई। 2018 को डिस बैंग जोंग वॉन्ग की एली रेस्ट्रा सैम एजवान बैग जोंग वॉन और किम सूत के जू के साथ। 2021 में मंच पर कोरियाई नामवान गवान लल्लू मेजबान के रूप में संगीत वीडियो प्रस्तुति। 2016 में सही याद रखो BTOB। उसके बाद 2022 में हर किसी के पास चुहंगा राष्ट्रीय दूत राष्ट्रीय कर सेवा उपयोग के लिए जन संपर्क राजदूत 2022 में इनको किया गया था। इनका पुरस्कार के बारे में बता दें क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं। APN स्टोर अवार्ड 2016 में इन्होंने मिला था। उत्कृष्ट प्रवाहक जो धारावाहिक अभिनेत्री को मिलता है इन्होंने थी गुड बाय के लिए मिल गया और ये से जीत गई। तो दोस्तों कई कंट्रियों में ये एक तरह से अवेलेबल है। मैं आपको बता दूँ तो JTBC पर, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स के जैसा ही, और बाकी कुछ कंट्रियों के लिए ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आप इसे जाकर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो या आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी। बाकी आप अपनी कंट्री के हिसाब से जाकर चेक कर सकते हो कि आप किस कंट्री से, यानी आपकी जिस कंट्री में आप रहते हो उस लैंग्वेज में ये अवेलेबल है या नहीं। वो मैं एक लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पर क्लिक कर देख सकते हो। इस सीरीज़ के एपिसोडों के बारे में बात की जाए तो टोटल मिलाकर 5 एपिसोड है और पाँचों बहुत ही ज़बरदस्त है। और रेटिंग की बात की जाए तो सभी जगह इसने कोहराम मचाया हुआ है, यानी तहलका इसने मचाया हुआ है। IMDb रेटिंग की बात की जाए तो 10 में से 7.5 है, और साथ ही साथ और भी कई एक तरह से रेटिंगों की बात की जाए तो फुल में से लगभग थोड़ा ही कम, यानी 100 में से 80% आप इसकी रेटिंग मांग सकते हो। और रिव्यू भी लोगों के बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, और इसी बीच ये सीरीज़ भी पूरी हो चुकी है और कुछ एपिसोड है। और सेक्शन 2 के लिए इसके एक तरह से रिन्यू कर दिया गया है। सेक्शन 2 भी आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। अब इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इसमें ग्रामी पुरस्कार 2000, इसके बाद NEPN स्कार 2021 में मिला था। लोकप्रिय स्टार अभिनेत्री में 9 टेल्स स्टोरीज़ के इन्हें मनोनीत किया गया था। इसके बाद ग्रैमी पुरस्कार 2015 में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में ऑल अबाउट माय मदर। इसके बाद फिर 2015 में वापस लोकप्रियता पुरस्कार, वापस अभिनेत्री एकांक के विषय लघु नाटक से अभिनेत्री के बेस नाटक पुरस्कार, प्यार जनाबी और में हम मिले दो जू ओहो। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ युगल पुरस्कार 2020 में, नेटिजन पुरस्कार अभिनेत्री 2020 में, वापस उत्कृष्ट पुरस्कार लघु श्रेणी मिनी सीरीज में अभिनेत्री का जंगल में इन्हों को मिला और ये जीत गई। उसके बाद MBSA नाटक पुरस्कार 2016, सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री एक्ट्रेस बेस्ट न्यू एक्ट्रेस के रूप में इन्हें मिला, वो भी डेविल के रूप में। गुड बाय वापस 2018 में इन्होंने किया और इन्हें फिर मिला। एम्बियंस नाटक पुरस्कार मिला इन्हें 2016 विश्वकृता परिवार सोमवार से नाटक अभिनेत्री के बाद इन्हें वापस मिला एम्बियंस मनोरंजन पुरस्कार, जो विविधता क्षण उत्कृष्टता प्रधान महिला वर्ग में रोकी पुरस्कार मिला। सियोल पुरस्कार 2018 में वापस मिला। 18 में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री नाटक के लिए मिला। इसमें वापस अलविदा अलविदा के लिए राजकीय समाज देश का राष्ट्रीय कर सेवा में की थी, राष्ट्रपति द्वारा इन्हें प्रशस्ति मिली है। और कुल मिला के ये था इनके बारे में जो बो आहा के बारे में। बाकी अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट के बारे में। दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन हम पूरी डिटेल देते हैं, पूरा अच्छे से वीडियो का रिव्यू करते हैं, हर एक्टर के बारे में खुल के बताते हैं, हर चाहे एक्टर और एक्ट्रेस सबको एक समान रूप से देख करके सबको बताते हैं हम, और सभी को समझाते हैं। किम सेओपोंग जन्म 7 अगस्त 1996, जिन्हें उनके स्टेज नाम रोवन के बेहतर से जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई ग्राहक है, एक अभिनेता है और एक मॉडल है। इन्हें रोवन किम सेवॉक यू, जिनका नाम रोवन भी है, यह गायक मुख्य रूप से पॉप बॉय बैंड SF9 के सदस्य एक अभिनेता के रूप में उन्हें टेलीविज़न श्रृंखला एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू 2019, शी विल नेवर नो 2021, द किंग्स ऑफ एक्शन 2021, द टुमारो 2022 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। हाँ, इनका जन्म किम सोयू में हुआ था 7 अगस्त 1996 को था। इस हिसाब से इनकी उम्र 27 की सियोल और ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। इनके व्यवसाय बताएं तो ये गायक भी हैं, एक्टर्स भी हैं और वो भी हैं। इनका 2016 से अभी तक ये काम कर रहे हैं अभिनेता के रूप में और ये संगीत के रूप में कश्मीर पा वोकल्स जानते हैं NEFC और SF9 के सदस्य हैं। हाँ, 2013-14 में प्री डेब्यू ने SF एंटरटेनमेंट के रियलिटी शो चैंगोन डैम शो में 1-1 में एक प्रशिक्षक के रूप में प्रक्षित किया गया था। 2015-16 में SF9 के साथ डेब्यू। 2015 में न्यूज़ नामक समूह के सदस्य के रूप में FNC एंटरटेनमेंट के तहत प्री डेब्यू टीम न्यूज स्कूल का एक हिस्सा थे। उन्होंने मई 2016 में उन्हें NFC एंटरटेनमेंट के सर्वाइवल शो टब डांस या बैंड में न्यूज़ डांस के सदस्य के रूप में भाग लिया। न्यूज़ बैंड जिसके बाद में हनिस के नाम से जाना जाता है के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। न्यूज़ डांस ने 51% वोटों के साथ प्रतियोगिता जीती और पदार्पण का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने अक्टूबर 2016 में एकल पैनफेयर के समूह के साथ SF9 की शुरुआत की। 2017 में वर्तमान और एकल गतिविधियाँ और बढ़ती इनकी लोकप्रियता के बारे में बता दूँ आपको। टेलीविज़न श्रृंखला में उनका अभिनय करियर KBS2 के स्कूल 2017 में एक छोटी सहायक भूमिका के रूप में शुरुआत किया। उनकी उपस्थिति के बाद उन्हें लगातार बड़ी भूमिकाएं मिलना शुरू हो गई थी। और आगे की बात करूँ तो दोस्तों 2 मार्च 2018 में उन्हें TBM के अबाउट टाइम में मुख्य अभिनेत्री के भाई के रूप में अभिनय करने की पुष्टि की गई थी। 3 जुलाई 2018 में उन्हें BCF वेल स्टार लेडर्स में अभिनय करने की पुष्टि की जिन्हें उन्हें न्यू एक्टर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अप्रैल 2020 में यह पता चला कि यह एनिमेटेड फिल्म ट्रायल वर्ल्ड टूर के कोरियाई डब में ब्रांच की आवाज़ हो गए। 25 मई 2020 को NFC एंटरटेनमेंट की पुष्टि की रोबोन है इसी नाम से वेबटून पर आधारित आगामी JTBC नाटक शी विल नेवर नॉन में अभिनय करेगा। नाटक का प्रसारण जनवरी 2021 में शुरू हुआ। 2021 में रोबोन ने ऐतिहासिक नाटक द किंग्स ऑफ एक्शन द्वारा मुख्य पुरुष भूमिका निभाई जिसका प्रीमियर अक्टूबर 2021 में हुआ। 2021 के अंत में रोवन और एस्ट्रो में चोंग क्यूंग वू और किम रेओल के साथ KBSM सॉन्ग फेस्टिवल का लिए MSC बन गया। ह्यून 2022 में रोवन MBG के फंतासी नाटक टुमारो में अभिनय किया। अनुमोदन जनवरी 2020 में रोवन को सौंदर्य ब्रांड प्रसाधन काल आबू के लिए एक नए मॉडल के रूप में चुना गया। अप्रैल 2020 में रोवन को चोंगा कोंग चार्ज कोरिया के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। 18 अगस्त 2020 को यह घोषणा की गई कि रोमो को द नॉर्थ फेस वाइट लेबल 2020 में फॉल और विंटर कलेक्शन के लिए नौ के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। 1 जुलाई 2021 को रोमोस को सौंदर्य प्रसाधन बॉन्ड एंड स्टील ऑर्डर के लिए नए मॉडल के रूप में चुना गया। इन्होंने अभी तक नो गुड बाय इन लव के लिए डिस्कोग्राफी करी है जो तो में राजा का स्नेह और TS भाग 7 फिल्में बताएं तो ट्रॉस वर्ल्ड टूर और इसके बाद एक ही मूवी की है 2020 द कोरियाई डब संस्करण के वॉइस ओवर दिया था। इन्होंने शाखा की इन्होंने भूमिका है। टेलीविज़न श्रृंखला अपने दिल पर क्लिक करे 2016 वह स्वयं की भूमिका इन्होंने कॉन्ग ह्यूंग बोंग इल की भूमिका निभाई थी। इन्होंने 2017 में स्कूल की वेब सीरीज़ में इसके बाद टेलीविज़न सीरीज़ में 18 में आखिरकार जोंग विंग चैंग में जहाँ सितारे उभरते हैं वैन वेयर द स्टार राइज मैं यू हूँ उप 2019 में अनऑर्डिनरी यू हारू की भूमिका निभाई। अपनी यादों में मुझे ढूंढो मैं जू योंग मिन। इसके बाद 2020 में क्या यह प्यार था डेट्स इज लव ये स्वयं की भूमिका निभाई, उसे कभी पता नहीं चलेगा। चांग ह्योंग सेओंग की भूमिका निभाई 2021 में। 2021 में राजा का स्नेह चैंग विंग चुंग और 2022 में टुमारो चोइंग चोई जोंग बोंग की भूमिका निभाई। 2023 में आपके साथ नियति योर डेस्टिनी जिसकी हम बात कर रहे हैं जंग सिंह यू की इन्होंने भूमिका निभाई है। फाइट फॉर वेडिंग जिम शिम जंग सू की भूमिका निभाएंगे जो 2023 की वेब सीरीज है। दोस्तों यदि आपको भी इसके बारे में जानना है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे जिसका नाम है वेडिंग्स फाइट। और दोस्तों यदि आपकी कोई भी इच्छा हो किसी भी वेब सीरीज के बारे में आपको जानना हो, उसका फैक्ट रिव्यू से रिलेटेड कोई भी न्यूज़, किसी भी सॉन्ग की, म्यूज़िक की या फिर किसी भी मूवी की, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, दक्षिण एशिया, कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, हम सबको ट्रांसलेट करके सिंपल हिंदी भाषा में लेकर आते हैं तो और अच्छे से आपको उसका पूरा डिटेल देते हैं। तो आप बताते रहिएगा क्या क्या इसमें कमी है और क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं। और वीडियो आपको मेरे को पता है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे। ये तो हो गई एक बड़ी एक्टर की बात। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरे एक्टर की रोबोन के बारे में, हाजुन के बारे में हम बात कर लेते हैं। हाजुन ये एक के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छे एक्टर है और ये अधिकतर साइड रोल निभाते हैं। हाजुन जन्म 3 अप्रैल 1987 को सॉन्ग जुन चुल उनके पूर्व स्टेज नामक सॉन्ग हुन हाजुन से भी जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1987 को, इनकी उम्र 36 है। चांगटोंग दक्षिण म्योंगास दक्षिण कोरिया में जन्मे हैं ये। इसके बाद इनकी शिक्षा के बारे में बात करूं तो इनकी एजुकेशन सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स में आर्ट्स एंड थिएटर में हुई है और इन्होंने लिटरेचर की उपाधि प्राप्त की है। इनका पेशा है या अभिनेता है, सक्रिय वर्ष 2012 से वर्क करते आ रहे हैं। उनकी प्रतिनिधि आर्म्स फैक्ट्री करती हैं। कोरियाई नाम इनका हंगुल हाजून, संबोधित गंद 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 और जन्म का नाम है हंगुल गाना जूजियोल, संबोधित रोमनीकरण गाना चंगचियल गाना चुंगचोल के बारे में। उन्होंने 2016 में भेड़िया रोने वाले लड़के कॉन्ग सोंग की भूमिका निभाई। 2017 में इन्होंने डाकू की भूमिका निभाई जो कि कॉन्ग होंग सेओक। 2018 में आपकी शादी के दिन होंग सोइंग विंग का दूल्हा। 2019 में स्टोरी ऑफ गर्ल्स है यम की स्टोरी निभाई। 2020 में फेस्टिवल क्योंग मैन की भूमिका निभाई इन्होंने फिल्मों में। 2022 में राउंड अप कॉन्ग होंग सेओंग। इनकी टीवी सीरीज़ के बारे में बात करें तो 2017 से इन्होंने टीवी सीरीज़ में इन्होंने काम करना शुरू किया था। आप कौन है, हु आर यू, लिव्स यू सॉक, 3 डेज़ 2014 में, है ना। उन्होंने राष्ट्रपति रक्षक की भूमिका निभाई। चैंग डोंग डोंग स्कैंडल डोंग बिन की भूमिका 2015 में, 6 उड़ने वाले डैम 6 फ्लाइंग ड्रैगन्स रंग मोनसंग की भूमिका निभाई। 2016 में रोडियो रोमांस किम जोंग वू की भूमिका निभाई। बैड फादर ली मिनसू वू की भूमिका इन्होंने निभाई 2018 में। 2019 में आके अर्थवर्ल्ड कार्निवल ताचुंगन ब्लैक डॉग, एक शिक्षक होने के नाते चोंग वू करो की भूमिका निभाई। 2020 में इन्होंने SF-8 ट्यूटलर देवता एपिसोड ब्लिंक में भूमिका इन्होंने निभाई थी। 2020 से 23 तक में लॉस द सेकेंड पार्ट सिंग जुन हो की भूमिका निभाई। इसके बाद 2021 में इन्होंने उच्च वर्ग में डेनी ओंग ऑन सुंग हंग की भूमिका निभाई, डबल रोल था। 2022 में पागल प्रेम मेड लव ओंग हो सेंगी इसमें। इसके बाद खराब अभियोजक ओंग दो वॉन अप लव डेस्टिनी विथ यू इसकी हम बात कर रहे हैं। आपके साथ नियति क्वांग जैंग क्योंग की भूमिका इन्होंने इसमें निभाई है। अपनी ज़िंदगी खोजिए, ये स्पेंड योर लाइफ एज योर फेस। कॉन्ग ताई हो की भूमिका इन्होंने निभाई है। 2023 में आएगी। इसके बारे में आपको जानना हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। रंगमंच में काल्पनिक उबल एक नाटक है, उसमें इन्होंने काम किया है। 2012 में पुरस्कार इनको मिला है 37वां MBC ड्रामा पुरस्कार। उत्कृष्टता सोमवार मंगलवार लघु श्रृंखला में अभिनेता सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के रूप में 2018 में मिला था। इसके बाद 2021 में 8वां वर्ल्ड वाइल्ड फिल्म पुरस्कार, 30वां फिल्म फेयर पुरस्कार, 42 ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के रूप में। और वो था फेस्टिवल में, इनको फेस्टिवल के लिए इनको मिला था और ये उसको जीत गए हैं। अब इसके बारे में हाथ जूंग हो गया। यूरा के बारे में हम जान लेते हैं। ये भी एक साउथ कोरियन सिंगर है और एक अभिनेता भी हैं फ़िलहाल तो, बट सिंगर ज़्यादा ही अभिनेता कम है। इनके बारे में भी हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या इनकी लाइफ थी, सब कुछ टोटली। तो वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। किम एंग जोंग, किम यूरा जिन्हें किम एंग है यंग कोरियाई 6 नवंबर 1992 को, जिसे स्टेज का नाम यूरा कोरियाई से बेहतर जाना जाता है। आपको पहले ही बताया था मैंने, एक दक्षिण कोरियाई गायिका और अभिनेत्री हैं। ये दक्षिण कोरियाई लड़की समूह गर्ल्स डे के सदस्य के रूप में जानी जाती है। तब से उन्होंने अभिनय में कदम रखा और टेलीविज़न श्रृंखला रेडियो रोमांस 2080, नाउ वी आर बैकिंग अप 2021-22, फोरकास्टिंग लव एंड वेदर 2022 में अभिनय किया। इनकी अर्लियर लाइफ और एजुकेशन की बात करें तो यूरा का जन्म 6 नवंबर 1992 को दक्षिण कोरिया में उल्साना में हुआ था। उनके नृत्य विशेषज्ञ के रूप में उल्साना आर्ट हाई स्कूल में दाखिला लिया। यूरा का वर्तमान में साथी समूह सदस्य मीना के साथ डोंग हुडुक महिला सदस्य विद्यालय में भाग ले रही है। आपको बता ही दिया मैंने, डोंगयुक महिला विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं, गायक अभिनेत्री हैं, बहुत बढ़िया एंटी प्रतिनिधि किया है इन्होंने। पुरस्कार की पूरी सूची आपको मिली जाएगी, अभी बता दूंगा मैं। और संगीत का करियर में कश्मीर पॉप ये अच्छा गाती हैं, वोकल्स ज़्यादा इनका रहता है। इनकी 2010 से अभी तक वर्क करी है। ड्रीम ट्री बहुत बढ़िया इंटर लड़कियों के दिन के सदस्य हैं। कोरियाई नाम इनका हंगुल किम आह युवा हंजा जिंग यापिन, संशोधित रोमिनीकरण जिंग एंग योंग मैक्वेन सिंकेश्वर किम ओवियांग। मंच का पूरा नाम यूरा योगला भी बोल सकते हैं ना, यूरा। अच्छा, इसके बाद 2010 में गर्ल्स डे के 2010 में यूरा के पॉप गर्ल्स स्कूल की सदस्य बन गई, जहाँ उसने ली हाई नीरी के पूर्व 2 सदस्यों और जी इन जी सन की जगह ली, जिसे 2 महीने पूर्व एक समूह के साथ रहने के बाद पर चले गए थे। ड्रीम ट्री के समूह उसके प्रत्येक सदस्य के लिए एक आधिकारिक फैन कैफे, यूट्यूब चैनल और ट्विटर अकाउंट बनाकर अपनी शुरुआत से पहले बालिका दिवस का प्रचार किया। उन्होंने समूह सियोल के वाणिज्य मनोरंजक जिलों में शुरुआत से एक फ्लैश मॉब नृत्य भी आयोजित किया, जिससे रुचि को बहुत आकर्षित किया गया। तो दोस्तों, आपके बारे में इनके बताते हैं, इनके करियर में 2010 में बालिका दिवस में आपको बताया था कि 2010 में यूरो पॉप गर्ल्स स्कूल की टीम के सदस्य बन चुकी थी और इन्होंने ट्विटर यूट्यूब अकाउंट बनाया और इन्होंने शुरुआती की फ्लैशबैक में मॉब नृत्य भी आयोजित किया था, जिन्होंने रुचि आकर्षित की। 2012-14 में अभिनय की शुरुआत में सहयोग। 2012 में यूरा ने सऊ टीवी के चीनी नाटक सिगरेट एंजल के माध्यम से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने अपने लेबल साथी जैविक के साथ एकल आई विल लव यू के लिए सहयोग किया। यूरा ने SBB की श्रृंखला टू द ब्यूटीफुल यू में भी अभिनय किया। 2013 में यूरो को सिटकॉम रेकल्स फैमिली 3 में कास्ट किया गया। उन्होंने KBC के नाइट शो द क्लिनिक फॉर द मैरिड कपल्स लव एंड वॉर 2 के विशेष एपिसोड में भी अभिनय किया। 2014 में युवरा ने SBS की मिनी ड्रामा बिग एरो में अभिनय किया। तो दोस्तों ये नेटफ्लिक्स पर आपको 6 सितंबर 2023 तक आखिरी के एपिसोड आपको देखने को मिले थे और कल इसका एंड हुआ है और आज हम इसकी वीडियो लेकर आए हैं। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। हम हर OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, नेटफ्लिक्स हर OTT प्लेटफॉर्म की मूवी सीरीज़ का रिव्यू लेकर आते हैं, एक्सप्लेनेशन, डिटेल यानी टोटल मिलाकर उन सभी के बारे में सारी कुछ जानकारी हम आपको बताते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने इसी सीरीज़ के बारे में जाना। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दें। दोस्तों अब इस सीरीज़ के बारे में अब हम इसकी जो कास्टिंग है उनके बारे में जानते हैं। वी गॉट मैरिड के लिए आधिकारिक जोड़ों में एक बन गई। उन्होंने मॉडल अभिनेता हांग जोंग यून के साथ जोड़ा गया था जो 2016 में वर्तमान में AMC और अभिनय। 2015 में यूरो ने जू ह्यूंग के साथ रियलिटी शो जो कि श्रृंखला के पॉप स्टार के चौथे सीजन की सह मेजबानी की। इसके लिए अतिरिक्त यूरा संयुक्त कोरियाई चीटी ऑडिशन कार्य में सुपर आइडल के लिए AMC के रूप में काम करता है। 2016 में यूरा को किम मिंगजिंग के साथ ओलिव चैनल के टेस्टी रोड के साथ MG के रूप में चुना गया। उसी वर्ष VNTV के विविध शो आफ्टर इन द प्ले एड्स में शामिल और वेब ड्रामा आयरन लेडी में अभिनय किया। 2017 में यूरो को किम ह्यू के साथ चलते TVN के लाइफ के बारे में एक नए MC में से एक के रूप में चुना गया जो मूल एमली टी शिन यू और किम ह्यून जोंग के साथ जोड़ा गया था। उन्होंने हांग हे जिन और एम सू ह्योंग के साथ KBC के ड्रामा ब्यूटी बाइबल 2017 के लिए AMC के एक रूप में भी चुना गया था। उसी वर्ष उन्होंने JTBC के लघु नाटक हिप हॉप टीचर में अभिनय किया। 2018 में यूरो ने KBC के रोमांस और रेडियो रोमांस में भी अभिनय किया। 2021 में यूरा ने ना ताइजू के साथ इंजीनियर्स इन डिफरेंस सीजन की कविता संग्रह के रूप में अपनी शुरुआत की। फरवरी 2022 में यूरा ने असम के एंड के साथ अपना अनुबंध बढ़ने का फैसला लिया। इसके बाद इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनकी 8 नवंबर 2000 का यूरा की पूर्व प्रबंधन कंपनी एक्शन म्यूजिक टर्नन यूरा के खिलाफ निश्चय ज्ञाता की दायर की जिसमें ड्रीम एंटरटेनमेंट के साथ दूसरे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया था। जवाब में ड्रीम ट्री के सदस्यों ने कहा कि हम एक्शन म्यूजिक के म्यूजिक ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया। मुकदमा तब चलाया गया जब एक्शन म्यूजिक ने जोर देकर कहा कि उसके पास यूरा के अस्वीकार्य व्यवहार का एक वीडियो है। 20 जनवरी 2011 को अदालत ने यूरा के पक्ष में फैसला सुनाया और वह मुकदमा जीत गई। अब इनकी डिस्कोग्राफी की बात करें तो आई विल लव यू 2012 में गेट एल्बम एकल था ये। तो फिल्मोग्राफी की बात करें तो रिवोल्ट, ग्लोर, गैनी, एहसास हुआ। और इसके बाद की बात करें तो टेलीविज़न सीरीज़ के बारे में मैंने उस पर भरोसा किया। आई ट्रस्ट ऑन डैट कैमियो किया था इन्होंने। 2012 में इन्होंने गुप्त देवदूत तुमसे की भूमिका निभाई। आप जैसे सुंदर को ली योंगयंग की परिवार में प्रशंसक करता चरित की कैमियो था ये। 2013 में लापरवाह परिवार 3 पार्क यूरा की भूमिका निभाई। फिर 2013 में विवाहित जोड़ों के लिए क्लिनिक प्यार और युद्ध यू जंग की भूमिका निभाई। 2014 में अहंकारी बनो हांग आ रा की भूमिका निभाई। 2016 में लोह महिला जैनी की भूमिका निभाई। 2017 में हिप हॉप टीचर किम योंग बिन की भूमिका आई। 2018 में रेडियो रोमांस जो कि सबसे फेमस था जिन ताए रई मनोरोगी डायरी। 2019 में पार्क में कुत्तों के साथ लड़की की भूमिका निभाई। 2020 में अपनी यादों में मुझे ढूंढो जाओ यूरा की। 2021-22 में अब हम टूट रहे हैं हार्डिन की भूमिका। 2022 में प्यार मौसम का पूर्वानुमान चिंग चाइंग योंगजिन। 2023 में आपके साथ नियति यू ना योन टेलीविज़न शो। 2010 में हम डेट कर रहे हैं। 2015 में के पॉप स्टार 4 जुंग ह्यूंग के साथ। सुपर आइडला मेज़बान इनकी रही हैं 2014 में और 15 में हमने शादी के लिए को सदस्य जोंग होंग जुंग युंग के साथ एपिसोड 91 से 131। 2017 स्वादिष्ट सड़क मेज़बान थी इसकी कैम्स होस्ट बोल मेज़बान बोले तो 200 होस्ट होती हैं किम जिंग जंग के साथ। खाली कमरे में एक साथ रहना का सदस्य एपिसोड 4 से 8 एपिसोड 1921। 2017 में लाइव पार सीजन 2 इसकी होस्ट रही हैं सिंग जोंग यू किम जोंग यू और किम जुन जुल के साथ। यानी ब्यूटी बाइबल 2017 मेज़बान के साथ हाइंग जिन इम सू हांग के साथ। समुद्री यात्रा इसकी हाउस रही एपिसोड 54 से 57 तक आई। 2018 में ओशियन पुलिस इसकी का सदस्य रही थी। फिर इसमें आइडियल स्टार एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इसकी हाउस रही चुंगेल स्पेशल गेंदबाजी बूम के साथ। नए साल पर विशेष गेंदबाजी किम सिंग यंग और जिन्नेशो के साथ। 2019 कैबिन क्रू का सदस्य सियोल मैट मेज़बान की होस्ट रही 2017 में 18 में साप्ताहिक चीन अब मेज़बान किम इंग हिल जंग के साथ। रुझान रिकॉर्ड 2012 से 21 तक मेज़बान उसकी होस्ट रही बेबिशो 21-22 पारगन प्रेम पैनलिस्ट रही सीजन 1-2 की। इसके बाद रेडियो शो यंग स्ट्रेस विशेष डीजे की भूमिका इन्होंने 22 सात जून 2021 से 13 जून 2021 तक चला। होस्टिंग में बता 5वां गांव चार्ट के पुरस्कार बुक के साथ। 2018 में मिस कोरिया प्रेजेंट प्रॉक्सी होंग के साथ। 2014 में रात दिन डे एंड नाइट में विल सॉन्ग की भूमिका निभाई। 2015 में बरसाती दिनों पर किम टॉय बम पार्क स्ट्रीट पुरस्कार नामांकन में आपको बता ही दिया कि इसको ब्लू ड्रैगन सीरीज पुरस्कार मिला इनको सर्वश्रेष्ठ महिला मनोरंजनकर्ता के लिए 2022 और 2023 में, जिसमें परागमन प्रेम पर 2 के लिए। उसके बाद केबल टीवी पुरस्कार 2015 में लोकप्रियता पुरस्कार इन्हें मिला दो हरा कार्य के लिए। इन्होंने जीता 2014 में। रोकी महिला पुरस्कार हमने शादी कर लिए इन्होंने ये जीता। एमबीसी मनोरंजन पुरस्कार 2014-17 में भी मिला। 17 में उत्कृष्ट महिला पुरस्कार विविधता खाली कमरे में एक साथ रहना इसके लिए मनोनीत हुई। तो दोस्तों ये थी इनके बारे में। यूरा एक अच्छी अभिनेत्री हैं, इनके बारे में हमने अच्छे से जान लिया है। अब हम जान लेते हैं कुछ और के बारे में, इनके प्रोड्यूसर के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन कंपनी के बारे में, JTBC के बारे में भी हम जान लेते हैं। ओरिजिनल नेटवर्क जो हैं JTBC क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता, पूरे हम डिटेल आपको बताएंगे। तो JTBC जॉन्स इसका पूरा नाम हम जान लेते हैं जोंग टॉम बैंक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में संक्षिप्त कोरियाई JTBC के रूप में शेयरबाज़ एक दक्षिण कोरियाई राष्ट्रव्यापी वेतन टेलीविज़न नेटवर्क का प्रारंभिक शेयरदार 25 हिस्सेदारी के साथ जोंग ऑंग हॉर्डिल्स है। इसे 1 नवंबर 2011 को लॉन्च किया जाता है। JTBC एक सामान्यवादी हुए चैनल है जिसमें टेलीविज़न श्रृंखला विशेषों और समाचार प्रसारित प्रोग्रामिंग है। इसका समाचार प्रभाग दक्षिण कोरिया के 3 मुख्य स्थलीय नेटवर्क के समान ही आयोजित किया जाता है। JTBC डोंग इन एल्बो के चैनल इन चोंग एल्बो के टीवी चोसोंग माई क्यूजवे के एम्बियंट के साथ 2011 में लॉन्च हुए 4 नए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रव्यापी सामान्यवादी केबल टीवी नेटवर्क में से एक था। मौजूदा पारंपरिक फ्री टू एयर टीवी नेटवर्क जिसे KBS, MBC, MCBC अन्य छोटे न्यूज चैनल के पूरक नेटवर्क के रूप में काम करने के लिए जो 2019 में एक विनियम के बाद लॉन्च किए गए थे। इसका हिस्ट्री हम बताएं तो जोंग एल्बो जो सैमसंग का एक हिस्सा हुआ करता था के पास टीवी का एक स्टेशन था। 1964 में टोंगयोंग ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन TBC की स्थापना की और 16 वर्षों तक नेटवर्क चला। हालांकि 2018 में जोंग ड्यूहॉन के सैन्य शासन द्वारा TBC पर जबरन राज्य संचालित KBS में विलय कर दिया गया। 2011 में इसकी स्थापना के समय कुछ समय बाद मीडिया विशेषज्ञों ने जेटीबीसी के टेलीविज़न पर जोएंग एलबोद की वापसी के लिए टीवीसी का पुनर्जन्म करवाया। जोएंग बोंग एलबोड टोइंगसोंग ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन नाम का पुनः उपयोग करना चाहता था, ताकि तागुक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के कारण असफल रहा, जिसके पास 1994 से दक्षिण कोरिया में टीवीसी के अधिकार हैं। समय आपको बताएं तो 26 जून 1964 में टोइंग बैंग ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का शुभारंभ किया गया, जिसे 7 दिसंबर 1964 को टीवीसी चैलेंज श्रृंखला 7 पर प्रसारित हुआ। 30 नवंबर 1980 को सैन्य अधिकारियों के अध्यक्ष चुंग हंगडा विशेष कानून द्वारा टीवीसी का केबीएस टेलीविज़न में प्ले हो गया, जिसके परिणामस्वरूप KBS2 टीवी का शुरुआत हुई। 22 जुलाई 2009 को दक्षिण कोरिया के मीडिया बाजार में विनियम करने के लिए मीडिया कानून के संशोधन में राष्ट्रीय असेंबली पारित हुए। यह जोंग टोंग जोइंग सिब्लू जोइंग एब्लो डोंग इब्लो की प्रति दक्षिण कोरियाई सरकार की प्रतिक्रिया, जो मुख्य मीडिया के समुदाय है जिनका लक्ष्य केबल का जो बाजार होता है उसे लॉन्च करना था। इसका बाद इन्होंने 31 दिसंबर 2010 को JCBC टीवी चोइंग टीवी चोसुन एम्बियन चैनल A के जनरल केबी टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के रूप में चुना गया। 11 जनवरी 2011 जोएंग एल्बो ने JTBC कॉरपोरेशन की स्थापना की। 1 दिसंबर 2011 को JTBC ओंगेंग टी और गयांग बी रेडियोकास्टिंग C कंपनी चैनल नंबर 15 पर इसका प्रसारण शुरू हुआ। मई 2013 में पूर्व MBC समाचार एंकर सोहन सी हुक को समाचार प्रभाग के लिए JTBC के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। नवंबर 2015 में JTBC के सियोल समांगडोंग से सीरियल मीडिया सिटी की कई नई अन्य इमारत का निर्माण किया। नवंबर 2018 में सोंग होक्सी JTBC के अध्यक्ष और CEO के रूप में पदोन्नत किया गया। इसके बाद की बात करें तो जून 2019 में JTBC ने 2026 से 2023 तक ओलंपिक खेलों के लिए कोरियाई अधिकार हासिल कर लिया। अप्रैल 2022 में JTBC ने अपने न्यूज़कास्ट को क्रिएशन हॉल में स्थानांतरित कर लिया, जिसकी शुरुआत JTBC न्यूज़ रूम। जून 2021 में JTBC के नए CF YRP के बहुमत हिस्सेदारी JTBC के CSA YRP की बहुमत हिस्सेदारी खरीदी। इसका स्थापना आपको पता ही 21 मार्च 2021 को वहाँ से 12 वर्ष पहले मुख्यालय इसका संगमंग में संगमंगरो माओ जिला सियोल दक्षिण कोरिया में है। अभी दक्षिण कोरिया में ही सिर्फ काम करता है। प्रमुख लोगों जोंग जोंग डो उपाध्यक्ष और CWXO सोंग हुक ही राष्ट्रपति हैं और हॉन्ग जोंग होलसेल लिमिटेड 25 इसकी हिस्सेदारी करके इसके मालिक हैं। DVI असेट्स इसके 5% के शेयरधारक हैं, जो भी इसके मालिक गिने जाते हैं। जोएंग एल्बो 4%, TV असाही 30%, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी 2.61%, S&TV डायनामिक 2.3%, सोंग हाईटेक 2.37%, सोवॉल कल्चरल फाउंडेशन 1.8%, डेहांग स्टील 1.8%, S&P बैंड कंपनी 1%, हैंस बैंक कंपनी SFL, JBTC मीडिया कॉम, JBTC मीडिया टेक, JBTC प्लस, JTBC joins.com इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है दक्षिण कोरिया में। हाँ, इनकी भाषा कोरियाई होती है। HDTV अब चित्र प्रारूप करते हैं 10TV I में। आपको बताया गया स्ट्रीमिंग मीडिया जो हैं ये। इनके कार्यक्रम JTBC न्यूज़ रूम आफ्टर न्यूज़ 5 और न्यूज़ रूम नाउ सम लैंगंग डैंग क्लास सहित समाचार कार्यक्रम। JTBC कार्यक्रम में 50 में से 90वें स्थान पर, जिसमें ए वर्ल्ड ऑफ द मेरिट टेलीविज़न श्रृंखला में उच्चतम रेटिंग वाले कोरियाई नाटकों की सूची में सबसे अधिक रेटिंग वाला केबल ड्रामा है, जिसे एक के व्यवसाय केसल धारा। JTBC ने पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। पिके गैनन अलसूजे जैसे सांस्कृतिक प्रतियोगितियाँ नोई ब्रदर्स लेटर इट्स डिनर टुगेदर ट्रेलर सहित अन्य विभिन्न प्रकार के शो। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए। बाकी हम ये ना देख के अब हम और कुछ देखते हैं, क्योंकि जितनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी आपको दे दी गई है। मैं इतना ही चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, उससे जल्दी लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए एक ढूंढ के लाते हैं। अब इसके हमने प्रोड्यूसर की बात कर ली है, हमने इसके प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली है, इसके सब कुछ की बात कर लेते हैं। अब एक जैनर आता है जिसमें कई लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि ये फंटेसी जैनर क्या होता है। तो मैंने फंतासी फिल्म के बारे में हम बता देते हैं कि फंतासी फिल्म क्या होती है और इसका क्या मतलब होता है, कब से इसकी आई थी। फंतासी फिल्में एक ऐसी फिल्में होती है जो शानदार विषयों, आमतौर पर जादू, अलौकिक घटनाओं, पौराणिक कथा और लोकाकी या विदेशी काल्पनिक दुनियाओं के साथ फंतासी शैली को होती। इस शैली को विज्ञान तथा कथा फिल्में, डरावनी फिल्में के साथ सट्टा कथा का एक रूप माना जाता है। हालांकि शहरिया ये ओवरलेप होती है, जिसमें काल्पनिक फिल्मों में अक्सर जादू, मिथक, आश्चर्यवाद, पलायनवाद, अवसार आदि, कुल मिला के जहाँ पर ड्रीमिंग होती है, मतलब काल्पनिकता, उसको माना जाता है। फंतासी फिल्मों में कई उपश्रेणियों की पहचान की जाती है। हाल की इन श्रेणियों के बीच का चित्रण फंतासी साहित्य की तरह कुछ हद तक तरल है। फिल्म को परदेश में सबसे आम फंतासी उपचेलिया, उच्च फंतासी में तलवार और जादू डोना है, जिसमें दोनों श्रेणी में आमतौर पर अर्धकालीन सेटिंग, जादूगर, कई जादू प्रणाली और आमतौर पर काल्पनिक कहानी सुनने अन्य तत्वों को नियोजित करती है। उच्च फंतासी फिल्में अधिक समृद्ध रूप से विकसित और इसके साथ साथ ही फंतासी दुनिया को प्रदर्शित करती है। कुल मिला के काल्पनिक दुनिया जिसका चरित्र उन्मुख या विषयागत रूप से जटिल होता है। अक्सर उनमें विनम्र मूल के एक नायक को दिखाया जाता है जो महाकाव्य संघर्ष में से एक दूसरे के खिलाफ सेट किए गए अच्छे बुरे के बीच का स्पष्ट वहाँ पर अंतर होता है। इसमें कई विद्वान J.R.K. टोल्किन के लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के उपन्यास के साहित्य में उच्च फंतासी आधुनिक उदाहरण के रूप में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इसका जो है मूवी, इसका एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। और किताबों के हालिया पीटर जैक्सन फिल्म रूपांतर स्किन उच्च फंतासी का एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों। इसके बाद तलवार और जादू टोना वाली कहानी उच्च कल्पना की तुलना में अधिक कहानात्मक चालित होती है और एक्शन दृश्यों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करती है, जो अक्सर एक शारीरिक रूप से शक्तिशाली लेकिन अपरिकर्षी होता है एक दुष्ट जादूगर या अन्य अलौकिक रूप से संपन्न दुश्मन के खिलाफ खड़ा करती है। हालांकि तलवार जादू टोना वाली फिल्में कभी कभी अच्छे और बुरे के बीच एक महाकाव्य लड़ाई का वर्णन करती है, जैसा कि कई उच्च फंतासी फिल्मों में दिखाया जाता है। वे वैकल्पिक रूप से नायक और अधिक तात्कालिक प्रेरणाओं के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि कमजोर युवती या वह गांव की रक्षा करने की आवश्यकता था, यहाँ तक कि प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर। उदाहरण के लिए रॉबर्ट ई हॉवर्ड की कॉनन द बारबेरियन 1982 का फिल्म रूपांतरण एक व्यक्तिगत गैर महाकाव्य कहानी जो बदला लेने के लिए नायक की खोज में एक कल महाकाव्य को विफल करने उसके प्रयास से संबंधित। जब इस पर क्या हम एक सुंदर राजकुमारी को बचाया जाता है। कुछ अलौकिक ऐसी फिल्मों को स्वैड और सैंडल सबसे संदर्भित करते हैं, तलवार और जादू टोना की बजाय। हालांकि अन्य लोग यही कहेंगे तलवार और सैंडल केवल एक कर्तव्य ग्रह पर प्राचीन काल में सेट की गई फंतासी फिल्मों से सर्वेट के लिए आरक्षित होना चाहिए। फिर जो अन्य लोग इस शब्द का विस्तार से उन फिल्मों को शामिल करेंगे जिसमें कोई शानदार तत्व नहीं है, जो कई लोगों के स्वॉर्ड और सैंडल शब्द का अर्थ अपमानजनक है, जो कम गुणवत्ता वाली स्क्रिप्ट और खराब अभिनय और खराब उत्पादन मूल्य वाली फिल्म को दर्शाता है। इसके साथ साथ ही आगे की बात करें तो फंतासी फिल्मों में और क्या क्या होता है। फंतासी फिल्मों एक महत्वपूर्ण उपशैली है जो हाल ही वर्षों में अधिक लोकप्रिय हुई है। समकालीन फंतासी एक कई फिल्में जादू, प्रभाव या आज की वास्तविक दुनिया से होने वाली अलौकिक घटनाओं को दर्शाती है। लाइव एक्शन एनिमेशन फिल्में जैसे डिज्नी की मैरी पॉपिंस, पिट्स ड्रैगन, इंचॉर्ड रॉबर्ट जेमिनसन की द फ्रेम्स, रोजर रैबिट की फंतासी फिल्में। हालांकि इन्हें अक्सर लाइव एक्शन एनिमेशन हाइब्रिड के रूप में जाना जाता है। उनमें से दो भी हैं फिल्म संगीत के रूप में। कर्स के बाद जमीन पर आधारित फिल्म है जिन्हें बैगियंस फंतासी कहा जाता है, कम आम है। हालांकि 1991 में की अल्बर्ट वोस कॉमेडी डिफेंस की योर लाइफ जैसी फिल्में संबद्ध योग्य होगी। अन्य असामान्य शैलियों की ऐतिहासिक फंतासी और रोमांटिक फंतासी शामिल। हालांकि 2023 में पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल ने दोनों तत्वों को असफलतापूर्वक शामिल किया गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया कि सुपरहीरो फिल्में और परी की कथा फिल्में प्रत्येक फंतासी फिल्म उपशैलियों का माना जा सकता, हालांकि अधिकांश उन्हें पूरी तरह से अलग फिल्म श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। अब इसमें अधिक काल्पनिक फिल्में और फिल्में उद्योग एक सिनेमाई शैली के रूप में फंतासी पारंपरिक रूप से विज्ञान कथा फिल्म से संबंधित शैली के रूप में उतना महत्व नहीं दिया गया है। निसंदेह यह हाल ही में फंतासी फिल्म स्वैड फिल्में अक्सर स्वैड एंड सैडल एक निम्न उत्पादनों मूल्यों अति शीर्ष अभिनय और निश्चित रूप से खराब विशेष प्रभाव वाले दृश्यों को समझाती है। इसके साथ साथ ही यह दर्शाया जाता है कि फंतासी फिल्में हैं एक सम्मान का एक महत्वपूर्ण कारक था। हालांकि 2002 के दशक की शुरुआत में इस शैली का सबसे नए सम्मान अधिक प्राप्त हुए हैं और इसमें यह दिखाया जाता है कि इस शैली में एक नया सम्मान प्राप्त है जो मुख्य रूप से जे.आर.आर. टॉलकिन द लॉर्ड ऑफ रिंग्स के कारण हुआ है। इसके साथ अपूर्व व्यावसायिक आलोचनात्मक सफलता अर्जित की है। तीसरी किस की अकादमिक पुरस्कार जीतने वाली पहली फंतासी फिल्म की पॉटरवील की ज़बरदस्त नृत्य सफलता मिली है। अपने डिज़ाइन विषयागत परिष्कार और भावनात्मक गहराई गंभीर निर्धालवा अंधेरे कथ्यात्मक जटिलता चरित्र वितरण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल करती है। ये मूवियाँ ये एक विशाल और वफादार प्रशंसक आधार का दावा भी करती हैं। इन उद्यमों की सफलता के बाद हॉलीवुड स्टूडियो शैली के अतिरिक्त बड़े बजट की प्रस्तुति को हरी झंडी देती है। इसमें लुइस की द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जो नार्निया मूवी आपने बहुत देखी होगी यह उसकी है और दूसरी सबसे बड़ी फिल्म एरागोन के रूपांतरण के साथ सुपर सुनान कूपर द डार्क इज राइटिंग कार्लो गैल्फाइटिंग की फिल्में रूपांतरित है। द गोल्डन गम्पास होली ब्लैक स्पाइडर विक अवतार मूवी है। इसमें फंतासी फिल्म में आती हैं फंतार की दोनों मूवियाँ जादूगर का प्रशिक्षु 2000 के दसवें शुरू ही फंतासी फिल्में इनकी शुरुआत ही 2000 से मानी जाती हैं फिल्में और जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पहला और तीसरा नानी रूपांतरण है, दूसरा और चौथा सातवां हैरी पॉटर है। अक्सर नवंबर दिसंबर में रिलीज हुई है। विज्ञान कथा फिल्मों के विपरीत है जो अक्सर उत्तरी गोलार्ध गर्मी और जून अगस्त के दौरान रिलीज होती है। हालांकि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फंतासी फिल्मों की सभी तीन फिल्में क्रमशः जुलाई 2003 जुलाई और मई 2007 में रिलीज। हैरी पॉटर में नवीनतम रिलीज हुई श्रृंखला 2007 और 2009 में रिलीज हुई थी। इन श्रृंखला भारी व्यवसायिक सफलता के कारण बॉलीवुड के बड़े बजट की फिल्म फंतासी बनाना शुरू कर दिया है। पटकथा लेखक और विद्वान आर.के. और विलियम फंतासी फिल्मों पर पटकथा लेखकों के वर्गीकरण में 11 सुपर शैलियों के रूप में से एक पहचानते हैं। मतलब जो लिखने वाले होते हैं ना वो भी इनको पहला पहचानते हैं। उनका दावा है कि सभी फीचर फिल्में लंबाई वाली कथा फिल्में सुपर शैलियों द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य 10 सुपर शैलियाँ एक्शन क्राइम हॉरर रेवर साइंस फिक्शन स्लाइस में वॉर स्पोर्ट थ्रिलर और वॉर वेस्टर्न है। फंतासी फिल्मों का इतिहास उतना ही पुराना जितना कि माध्यम। हालांकि 1980s उसमें पहली फंतासी दशक तक फंतासी उन्हें अपेक्षाकृत कम और बहुत दूर थी। जब हाईटेक फिल्मों के निर्माण तकनीकी और दर्शकों की रुचि है तो यह शैली भी फली फूली है। मतलब यह शैली कुल मिला के वीएफएक्स पर आधारित है। पहला वीएफएक्स नहीं था तो इन पर पिक्चरें कम बनती थी, अब वीएफएक्स गया आ गया है तो ये फिल्में अधिक बनने लगी हैं। तो कुल मिलाकर ये थी फंतासी फिल्में। अब इनके इतिहास के बारे में हम बात करेंगे तो वह बता देते हैं फिर भी थोड़ा सा ऊपर। तो दोस्तों ये थी फंतासी फिल्में, इनका इतिहास मैंने आपको बताया। ये कुल मिला के साइंस फिक्शन पिक्चर होती है जो आपको देखना है। और ये थी फिल्म डेस्टिनी विद यू। डेस्टिनी विद यू के बारे में आपको पूरा बता दिया। यदि आपको और कुछ भी इसके बारे में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हमने इसमें मूवी एक्सप्लेनेशन आपको किया है, इसका रिव्यू किया, एक एक कैरेक्टर के बारे में बताया, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में आपको अच्छे से बताया। इसके साथ ही साथ एक एक एक्टर की अर्ली लाइफ से लेकर के उसका वर्तमान तक मतलब प्रेजेंट तक आपको डिस्क्राइब किया। और इसके साथ साथ ही आपको कई लोगों ने कमेंट में पूछा था कि जो फंतासी फिल्में होती है वो क्या होती है, उसके बारे में भी बताया, आज पूरा खुल के बताया। यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। और कोई भी अपकमिंग मूवी हो उसके बारे में आपको जानना हो, चाहे वो वेब सीरीज हो, मूवी हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, रशियन लैंग्वेज हो, तनियन हो, फोंग हो, कोरियन हो, चाहे कोई सी भी मूवी हो, उसके बारे में हमें कमेंट में बताएं, हम उसके बारे में रिव्यू देंगे और फैक्ट देंगे। सबके बारे में हमारा रिव्यू और फैक्ट सबसे बढ़िया होता है, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हम खुलकर बताते हैं। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ थी ये साउथ कोरिया की सीरीज़ है और तकरीबन लोगों द्वारा, अधिकतर लोगों ने इसे पसंद किया है और धीरे धीरे करके पूरे एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हमने इसी सीरीज़ के बारे में ही जाना। यदि आपने इस सीरीज़ को देख लिया हो या एक एपिसोड देखो या दो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना रिव्यू लिख सकते हैं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। और आप यदि इसे देखना चाहते हो तो आप HTBC के प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो, आपकी कंट्री के हिसाब से। बाकी अधिकतर कंट्रियों के लिए ये एक तरह से नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देख सकते हो। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे सीधा आप वहीं पर ओपन होगा और आपकी कंट्री के हिसाब से आपको लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। आपकी कंट्री की लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ठीक, वरना इंग्लिश में तो आप इसे देख ही सकते हो। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और इसी सीरीज़ के बारे में अब आज की इस वीडियो में हमने सारी कुछ डिटेल आपको बता ही दी है। दोस्तों यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।